हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में जाना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बंगाल बोर्ड का 10th क्लास का ज्योग्राफी के बारे में हम लोग सीरीज बना रहे हैं, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किया था। आज हम लोग करेंगे रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में गिरता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है। ठीक है, तो अरेबियन सी में जो रिवर्स फॉल करते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जबकि बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स फॉल करते हैं उसको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। आपको अभी चूंकि मैं इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको इस मैप में इंडिया में कितने राज्य होते हैं ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये बाउंड्रीज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि नर्मदा यहां से निकल रहा है तो आपको ये राज्य पता होना चाहिए, ये स्टेट आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको अच्छे से रिवर का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा और आप आसानी से एग्जाम में इसको लिख सकें। सो विदाउट एनी फर्दर लेट लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कहाँ है हमारा। पहला हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हम लोग पढ़े, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में दो मेजर रिवर है, नर्मदा और तापी। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं नर्मदा के बारे में। देखिए, नर्मदा कहां से निकलता है? नर्मदा निकलता है, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये हम लोग जानते ना, यहाँ पर सतपुरा रेंज ऊपर में है, विंध्या रेंज और नीचे में है सतपुरा रेंज। विंध्या और सतपुरा के बीच में बहता है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर निकलता है अमरकंटक पीक ऑफ महाकाल रेंज से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सतपुरा रेंज के एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में निकलता है, ईस्टर्न साइड से निकलता है, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड से। ठीक है, तो यहां से नर्मदा रिवर निकला मध्य प्रदेश से। अब ये नर्मदा रिवर यहां से बहता हुआ वेस्ट की तरफ आते आते अब ये आता है, ये देखिए, ये हमारा महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है। तो पहले तो यहां से मध्य प्रदेश से आते हुए ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आता है। उसके बाद ये देखिए, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर हो जाता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र का। देखिए, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बॉर्डर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, जबकि ये बॉर्डर है गुजरात और महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये पहले इस बॉर्डर पे आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, उसके बाद यहां पे आता है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, उसके बाद यहां से फुली इंटर्ड हो जाता है गुजरात में। गुजरात में आता है भरूच के पास, भरूच से बहता हुआ ये अरेबियन सी में आकर गिर जाता है नियर गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये था हमारा नर्मदा रिवर, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तापी, जिसको हम लोग तापी भी बोलते हैं। तो तापी निकलता है मुल्ताई हिल्स इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां से निकला। अब यहां से ये देखिए, ये तो जो तापी रिवर है ये नर्मदा के साउथ में बहता है। ठीक है, तब यहां से निकला, कहां से? मुल्ताई हिल से निकलता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। अब यहां से निकलता है, उसके बाद यहां से वेस्ट की तरफ बहता हुआ ये इंटर करता है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आने के बाद ये फिर इंटर कर जाता है गुजरात में, गुजरात में ये पहुंचता है सूरत के पास। ठीक है, गुजरात में ये सूरत, जबकि नर्मदा रिवर भरूच के पास। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, तापी रिवर आती है सूरत के पास और फिर यहां से ये हजीरा मैंग्रोव के पास यहां पे अरेबियन सी में ये गिर जाती है। तो आई होप ये आपको दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में फॉल करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है महानदी। महानदी कहां से निकलता है? देखिए, महानदी निकलता है सिहावा हिल से, सिहावा हिल्स रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां से निकलता है, यहां पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। अब यहां से निकलने के बाद ये नॉर्थ की तरफ बहता हुआ यहां पर आता है रायगढ़ से ये वेस्ट की तरफ घूमकर, साउथ वेस्ट की तरफ घूमकर ये इंटर करता है उड़ीसा में। उड़ीसा में आने के बाद ये यहां पर कटक में आता है और कटक में यहां पर हम लोग जानते हैं ना, यहां पर संबलपुर है, यहां पर कटक से थोड़ा सा पहले आता है संबलपुर, यहां पर हीराकुड डैम है जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, हीराकुड, उसके बाद यहां पर आता है कटक, उसके बाद ये यहां पर बे ऑफ बंगाल में ये फॉल कर जाती है और यहीं पे इसका, और ये फॉल करने से पहले ये बहुत बड़ा एक डेल्टा भी बनाती है, क्योंकि इसका जो मेन रिवर है, महानदी का जो मेन रिवर है, ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है महानदी रिवर। और महानदी रिवर जब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि यहां पर जो ईस्टर्न घाट्स है ये ब्रोकन होते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से महानदी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से, और ये
एंड होने से पहले, इसका खात्मा होने से पहले महानदी रिवर का ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ या साउथ गंगास भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में गंगा सबसे लंबा होता है ना, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक उसी तरह से साउथ इंडिया में सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, इसलिए इसको गंगा ऑफ साउथ या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये गोदावरी रिवर निकलता है त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंज से ऑफ वेस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे तो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंज से निकलती है। अब ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंज महाराष्ट्र में है। अब ये महाराष्ट्र से वेस्ट में, साउथ वेस्ट में सफर करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ ये इंटर करता है तेलंगाना में। अब तेलंगाना में आने के बाद ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये बहता है, उसके बाद बहने के बाद ये फिर से इंटर कर जाता है तेलंगाना में। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ये तो इसका बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर पे आने के बाद ये फिर से तेलंगाना में इंटर करती है, उसके बाद ये यहां से टर्न लेकर इंटर करती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में आने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है, ओके। अब थर्ड ईस्ट फ्लोइंग रिवर को देख लेते हैं। थर्ड जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है कृष्णा। कृष्णा जो है वो गोदावरी के बाद सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का, और ये ओरिजिनेट होता है, देखिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का महाबलेश्वर पीक है ये यहां से राइज करता है, ओके। अब यहां से ये निकलने के बाद ये तो पहले महाराष्ट्र में बहता है, उसके बाद ये इंटर करता है, ये देखिए ये क्या है, कर्नाटका है। कर्नाटका में आने के बाद ये यहां से इंटर करता है, उसके बाद तेलंगाना में, अब तेलंगाना में आने के बाद ये इंटर करता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में बहता हुआ ये बे ऑफ बंगाल में नियर देव सीमा, आइलैंड ऑफ देव सीमा, डेल्टाइक आइलैंड ऑफ देव सीमा के करीब ये गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में। और जो लास्ट हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है कावेरी। कावेरी निकलता है तला कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब ये यहां कर्नाटका से तो निकल रहा है, अब ये कर्नाटका से निकल जो रहा है तला कावेरी से, तो ये देखिए ये केरला है ना, हम लोग जानते हैं ये केरला है, केरला के नॉर्दर्न बॉर्डर से ये काफी करीब है, तो अब यहां से अब ये ट्रैवल करता है यहां से ये कर्नाटका में, उसके बाद ये इंटर कर जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये ट्रैवल करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में नियर पुमपुहर बीच, ठीक है, पुमपुहर बीच के करीब ये फॉल कर जाता है बे ऑफ बंगाल में। सो स्टूडेंट, ये थे रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया जो मैंने बताने की कोशिश की, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देकर मैंने आपको बताने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू 10 क्लास, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ये जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किया था, अभी हम लोगों ने रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया किया है, तो अब ये दोनों क्योंकि एक चैप्टर से वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का चैप्टर है, तो उससे का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।